नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि। पाकिस्तान में इस समय योजना परिवर्तन हुआ है, पाकिस्तान में इस समय सरकार का परिवर्तन हुआ है और अब पाकिस्तान में ऐसा लग रहा है कि शहबाज शरीफ वहां बैठ जाएंगे। शहबाज शरीफ मतलब नवाज शरीफ के भाई, शहबाज शरीफ जो कि पाकिस्तान के पंजाब सूबे के मुख्यमंत्री रहे। नवाज शरीफ की पार्टी से, और अब चूंकि नवाज शरीफ इस समय विदेश में बैठे हुए हैं, उनको देश निकाला दिया गया था, तो ऐसा देश निकाला देने के बाद अब उनके उत्तराधिकारी के रूप में दो लोग जो देश में सत्ता में बैठ सकते हैं, एक तो मरियम नवाज। मरियम नवाज हर नज़र से कॉम्पिटेंट हैं और बड़े स्तर पर मरियम नवाज ने ही नवाज शरीफ के बिहाब पर सरकार के खिलाफ, सेना के खिलाफ जंग छेड़ी हुई थी। आपको याद होगा सिंध का वो प्रकरण जिसमें मरियम नवाज और उनके पति को गिरफ्तारी की बात कही गई थी। इस बात को लेकर सिंध के सभी पुलिस के अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया था। क्यों? क्योंकि मरियम नवाज और उनके पति मरियम नवाज के पति खुद एक एक्स आर्मी ऑफिसर हैं, तो आर्मी ऑफिसर की गिरफ्तारी के खिलाफ सब कुछ हुआ था और उसमें पंजाब वो सिंध प्रांत के डीजीपी से लेकर मतलब आईजी उनके यहाँ होता है, आईजी से लेकर नीचे तक सभी अधिकारियों ने इस्तीफे की पेशकश कर दी थी और कहा था कि ऐसे हमारे इलाके में गिरफ्तारी सेना नहीं कर सकती। बाद में वो मामला शॉर्ट आउट हुआ, लेकिन ये पूरा प्रकरण जो इस समय इमरान खान के खिलाफ चल रहा है, या इमरान खान जिस प्रकार से बचाव मुद्रा से तो बाहर निकल चुके हैं, वो बचाव भी नहीं कर सकते। हालांकि उन्होंने जमीन पर जाने का, पब्लिक के बीच में जाने का मूड बना लिया है, लेकिन इन सब के पीछे मरियम नवाज थी। लेकिन मरियम नवाज संसद की सदस्य नहीं है, तो फिर संसद का सदस्य तो इस समय शहबाज शरीफ है, इसलिए शहबाज शरीफ का लगभग प्रधानमंत्री बनना तय दिखाई दे रहा है। लेकिन शहबाज शरीफ पाकिस्तान को संभालेंगे कैसे? मैंने दोपहर में भी कहा था कि पाकिस्तान की इकोनॉमी लगभग 50% एसेट खत्म हो चुका है, यानी कि 23.5% महंगाई बढ़ी और लगभग 25-30% उनका जो एसेट है उसकी डिवेल्युएशन हुई। एसेट की डिवेल्युएशन से मतलब यह है कि उनकी 360 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी थी जो लगभग 243 या 263 बिलियन डॉलर की रह गई, 80 बिलियन डॉलर कम हो गया और ऊपर से 23% का इन्फ्लेशन हो गया। इन दोनों चीजों को अगर मिलाकर देखें तो एक चीज नजर आती है कि लगभग 20-25% भी हो सकता है एसेट्स की डिवेल्युएशन हुई और साथ में महंगाई 23% बढ़ी, यानी कि 50% का खर्चा, 50% का लोड पाकिस्तान के निवासियों पर आ गया। पाकिस्तान के पास कमाने के लिए कोई साधन नहीं, क्योंकि उसकी जो मेन खेती है वो टेररिस्ट पैदा करना है, इस्लाम के नाम से टेररिस्ट पैदा करना है, संप्रदाय के नाम से टेररिस्ट पैदा करना है, कभी हिंदुस्तान के नाम से टेररिस्ट पैदा करना है, तो कभी कौम के नाम से टेररिज्म पैदा करना, ये उनकी मुख्य खेती है। वो खेती नरेंद्र मोदी जी के बैठने के बाद लगभग पूरे संसार में उनका जो सेल है वो खत्म हो गई है। अब दूसरी बात यह भी है कि अब तो वही सेम खेती अफगानिस्तान भी करता है, तो अफगानिस्तान जब खेती कर रहा है तो भैया आपके टेररिस्ट बहुत अच्छे नहीं है, अफगानिस्तान के टेररिस्ट ज्यादा खतरनाक हैं और वो अब अफगानिस्तान के टेररिस्ट पाकिस्तान में भी तहरीके तालिबान पाकिस्तान, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान, या लश्कर ए तैयबा जैश ए मोहम्मद, या जितने तरह के आपके संगठन चलते हैं उनसे सबसे स्ट्रांग हैं और अपने आउटफिट उन्होंने, अपने जो सेल सेंटर हैं वो पाकिस्तान में खोल दिए हैं। पाकिस्तान की सरकार बदल रही है, पाकिस्तान की सरकार बदलना स्वाभाविक था और पाकिस्तान की मजबूरी भी थी, लेकिन ऐसा लोगों का कहना था कि शहबाज शरीफ अगर बैठ जाएंगे तो उनके बैठने के बाद दो तीन परिवर्तन पाकिस्तान में आ सकते हैं। पहला परिवर्तन लोगों ने यह कहा कि भाई इकोनॉमी थोड़ी सुधर सकती है। मैं समझ नहीं पाया कि इकोनॉमी में सुधरने की कहां से गुंजाइश लोगों ने देख ली। मरे हुए मुर्दे में क्या इलाज किया जा सकता है? इलाज तो उसका किया जा सकता है जो जिंदा हो। जहां की इकोनॉमी मर चुकी हो, जीडीपी बढ़ने की बजाय जीडीपी 25% कम हो गई हो,
आप सोचिए कि जीडीपी जिंदा है, जिंदा से मतलब ये कहते हैं कि भाई ग्रोथ बहुत तेज नहीं हो रही, लेकिन 0.1% हो रही, 2% हो रही, 3% हो रही, 4% हो रही, हमारी इकोनॉमी छोटी है लेकिन 4% के हिसाब से बढ़ रही, लेकिन बढ़ रहे हैं, और इन्फ्लेशन जीडीपी से कम है। यहां की हालत यह है कि इन्फ्लेशन 25% 23% है ही और जीडीपी 25% डाउन है, यानी कि एसेट्स खत्म हो रहे हैं, तो मुर्दा जो डीके हो रहा है, यानी कि मुर्दा जो जिसमें सूरा पड़ गया है, जिसमें कीड़े पड़ गए हैं, वो कीड़े उसको खाए जा रहे हैं। अब सवाल यहां पर आता है कि कीड़े जब उसको खाए जा रहे हैं तो क्या उसको सही किया जा सकता है, मुर्दे को इलाज किया जा सकता है? तो बात यहां पर आएगी कि मुर्दे का इलाज कैसे होगा, क्योंकि अब मुर्दे का इलाज हो सकता है कीड़े बेचकर। अब उनके कीड़े का कोई खरीदार है क्या संसार में? उस बॉडी का जो मर चुके हैं, जिसमें कीड़े पड़ गए हैं, क्या उसके गोश्त का भी, मतलब वो मुसलमान है तो गोश्त का भी कोई खरीदार है क्या? मुर्दे के गोश्त का कोई खरीदार नहीं, क्योंकि वो तो हलाल का खाते हैं, झटके का तो खाते ही नहीं। और ये तो झटका और हलाल भी नहीं है, ये तो अपने आप अपनी मौत मर गया है, और जो अपनी मौत मर गया उसमें कीड़े पड़ गए हैं, और कीड़े पड़ने वाले जानवर को कैसे खाएं, ना वो हलाल है ना वो झटका है। सवाल ये खतरनाक है। शहबाज शरीफ के मामले में दूसरा लोगों ने कहा कि भाई वो फॉरेन पॉलिसी, चूंकि घुटे हुए पॉलिटिशियन है, इमरान खान की खास बात ये थी कि वो पॉलिटिशियन नहीं थे, बेसिकली पॉलिटिशियन नहीं थे, लेकिन शहबाज शरीफ घुटे हुए पॉलिटिशियन, नवाज शरीफ के भाई हैं, लंबे समय से पाकिस्तान की सत्ता पर राज्यों के मुख्यमंत्री रहे, पाकिस्तान की सत्ता के नज़दीक रहे और सत्ता को उन्होंने जिया है, इसलिए लोगों ने कहा कि भाई ये विदेश नीति सही कर लेंगे, देशों के साथ इनके संबंध अच्छे हो जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान की खास बात यह है कि पाकिस्तान का पाला अपने बाप हिंदुस्तान से है। अब अपने बाप से जिसका पाला हो वो बड़ी खतरनाक सिचुएशन होती है। क्या कैसी होती है? जब सलीम अकबर का बेटा, उसने विद्रोह कर दिया। विद्रोह कर क्यों कर दिया? क्योंकि सलीम के बेटे को शाशा घोषित कर दिया अकबर ने, और शाशा जब सलीम के बेटे घोषित कर दिया तो सलीम तो इसका मतलब सत्ता से बाहर हो गया। सलीम ने जाकर सेना बना ली और विद्रोह कर दिया। विद्रोह करने के बाद यह सवाल आया कि अकबर कभी हारा नहीं है और सलीम क्या अकबर के ऊपर हमला कर पाएगा? अकबर हारा नहीं से मतलब चाहे वो जालसाजी से अपने आप को जीता हुआ डिक्लेयर करता हो, मैं बात कर रहा था महाराणा प्रताप की, मतलब महाराणा प्रताप जीते और अकबर को जीता घोषित कर दे, क्योंकि भाई बड़ा आदमी था और बादशाह था, और क्या सलीम जीत पाएगा? तो सवाल यहां पर वहीं का वहीं आ जाता है, क्या तुम्हारा बाप जो अपराजय है, जिसके विषय में ये बात दिखाई दे रही है कि वो अब तुम्हारा बाप और स्ट्रांग हो चुका है और उसके जो बच्चे हैं वो बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं, क्या अपने बाप को पाकिस्तान कुछ कर सकता है या समझ सकता है, या अपने बाप के बगैर क्या उसकी इकोनॉमी संभल सकती है? दूसरा, उन्होंने जो बयान दे डाला वो बयान दे डाला कि भैया हिंदुस्तान के साथ हम अपने संबंध सुधारना चाहते हैं, हिंदुस्तान के साथ हम बहुत अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं, लेकिन उनके साथ संबंध बनाने का एक ही जरिया है कि कश्मीर मसले का कोई हल निकले। यानी कि बात जहां, जो मैंने दोपहर में लेक्चर दिया था जिसमें कहा था कि जिन्ना इसी उद्देश्य से पाकिस्तान बनाया उसने कि वो हिंदुस्तान को फतेह करेगा और उस फतेह में सबसे पहली कील वो जम्मू कश्मीर में ठोकेगा, नेहरू की बेवकूफियत की वजह से आधे से ज्यादा जम्मू कश्मीर उन्होंने कब्जा कर लिया, नो डाउट वो इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ जम्मू कश्मीर वर्ल्ड वाइड कहा जाता है, उसको उलझाने के लिए वेस्टर्न कंट्री उनका कोई भी किसी भी प्रकार का सपोर्ट कर दे वो अलग बात है, लेकिन वो इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ जम्मू कश्मीर कहा जाता है और उसको भारत सरकार ने यूएनओ से लेकर संसार के हर एक फोरम में आज की सरकार ने सिद्ध कर दिया है कि भैया ये इलीगल ऑक्यूपेशन है, और वहां कोई भी परिवर्तन अगर होता है, सीपीसी के साथ कोई एग्रीमेंट होता है, कुछ भी होता है, तो भारत आज की सरकार लाल किले से कहना शुरू कर देती है, आज की सरकार सीना ठोक कर कहती है पाक अकुपट जम्मू कश्मीर कब खाली करोगे ये बताओ, और उसको खाली करिए, आपको अधिकार नहीं है, वो हमारा हिस्सा है, जब मौका मिलेगा हम उसको ले लेंगे। ऐसी परिस्थिति में शहबाज शरीफ जब ये कहें कि कश्मीर मसले का हल, तो अब नरेंद्र भाई मोदी के टर्म्स में, यानी कि माननीय मोदी जी के टर्म्स में क्या हल है? माननीय मोदी जी के टर्म्स में तो एक ही हल है कि आप कब पाक अकुपट जम्मू कश्मीर हमको वापस देंगे और किन शर्तों पर देंगे, मार खाकर देंगे या सुलभता से दे देंगे, और वहां जो आपने डेमोग्राफी चेंज करी है नागरिकों को अपने भेज के, सुन्नी बहावियों को भेजकर, उनको वापस लेंगे
या उनको हमको इलिमिनेट करना पड़ेगा, ये भारत के प्रधानमंत्री जी की तरफ से सलूशन हो सकता है, भारत की तरफ से सलूशन हो सकता है। तो अगर ये सलूशन मानने को शहबाज शरीफ तैयार होंगे तो मुझे लगता है कि कश्मीर मसले का हल निकल आएगा। और कश्मीर मसले का हल निश्चित रूप से, मैं आपसे कहता हूं कि अगर कश्मीर मसले का ये हल जो भारत के प्रधानमंत्री जी के मूड में है या भारत की जनता के मूड में, वो हल शहबाज शरीफ निकाल लेते हैं तो निश्चित बात है श्रीलंका के लिए हमने भोजन भेजा है, श्रीलंका के लिए हमने तेल भी भेजा है। और श्रीलंका को अभी 4000 फॉरेन करेंसी हमने $4,000 की उनको फॉरेन करेंसी भेजी है, उनके पास $5,000 केवल बचे हुए हैं जो कि उनको चाहिए $15,000 अपनी फॉरेन करेंसी के रूप में, ताकि वो IMF के माध्यम से कुछ ट्रांजैक्शन कर सके। तो $4,000 हमने दिए हैं अभी उनको, और उस $4,000 के बाद हमने उनको भोजन भेजा है, हमने उनको तेल भेजा है। और पूरा श्रीलंका इस बात के लिए कह रहा है, विपक्ष भी, सरकार भी, जनता भी, कि अगर भारत हमारे लिए इस प्रकार की मदद ना भेजता तो शायद श्रीलंका में बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। अब श्रीलंका की इकोनॉमी और पाकिस्तान की इकोनॉमी में कोई विशेष फर्क नहीं दिखाई पड़ रहा, श्रीलंका की इकोनॉमी इतनी निगेटिव नहीं है जितनी कि पाकिस्तान की इकोनॉमी निगेटिव जा रही है। तो पाकिस्तान अगर जम्मू कश्मीर के मामले में हमारे हिसाब से सलूशन निकालता है, शहबाज शरीफ निकालने को तैयार होते हैं, तो आपको भी भोजन करवाने के लिए हम तैयार हैं, आपको भी सर्वाइवल तो कम से कम करवाएंगे ही। क्यों? क्योंकि आपकी घर वापसी कैसे होगी? घर वापसी तो हम हष्ट पुष्ट व्यक्ति की करवाते हैं, घर वापसी ऐसे व्यक्ति की नहीं करवाते जो मुर्दा हो। तो आपको मुर्दा होने नहीं देंगे और आपकी घर वापसी करवाएंगे। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये बात है कि कश्मीर का सलूशन वो निकालना चाहते हो जो जिन्ना चाहता था हमला करके, कश्मीर का सलूशन वो निकालना चाहते हो जो याया खान चाहता था, जो बाकी जनरल चाहते रहे हैं, या जो बाकी आपके हुक्मरान चाहते रहे हैं टेररिज्म फैलाकर, भारत में आतंकवाद बढ़ाकर, भारत पर खाली पीली हमला करके, भारत के साथ युद्ध करके, तो आप समझ सकते हैं कि आज के हिंदुस्तान ने चीन को वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया, गलवान को खाली करना पड़ा। और अभी 15 पॉइंट पर भी हमारी बात उनसे चल रही है और हम ये कह रहे हैं कि आपको वापस जाना पड़ेगा, वो कह रहे हैं आप वापस चले जाओ, हम कह रहे हैं हम नहीं वापस जाते, आप वापस जाइए, क्योंकि यही इंटरसेक्शन पॉइंट है जहां पर हम दोनों पेट्रोलिंग करते हैं और तुम इसमें घुस आए थे, हमने उस पर बाद में कब्जा कर लिया है। तो ये बात जब हम श्रीलंका के, जब हम चीन के सामने इस प्रकार दृढ़ता से खड़े हैं, यूक्रेन वॉर पर आपने देखा होगा कि अमेरिका ने क्या, दलीप सिंह यहाँ पर क्या बोल गए, और भारत कितनी दृढ़ता से के साथ अपना काम कर रहा है, बाइडेन हमारी प्रशंसाएं करते नहीं थक रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया ने भी हमको प्रेशर में लेने की कोशिश की, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जिस प्रकार से यस जयशंकर के साथ वहाँ के प्रधानमंत्री ने ट्रीट किया और मेमोरेंडम साइन किया है, उससे ये बिल्कुल जगजाहिर हो जाता है कि आज का भारत श्रेष्ठ भारत है, आज का भारत बढ़ता हुआ भारत है, आज का भारत नो कॉम्प्रोमाइज भारत है, आज का भारत नो टॉलरेट भारत है। इसलिए ये बात पाकिस्तान के शहबाज शरीफ के दिमाग में अगर ये उल्टी बात आ गई है, जैसा कि हमेशा उनके हुक्मरानों के आती रही, क्योंकि वो जिन्ना की नाजायज औलादें हैं और जिन्ना की औलादें होने की वजह से वो जिन्ना के ही नक्शे कदम पर भारत पर कब्जा करने का गलत मंसूबा बनाए बैठे हैं, गलत विचार बनाए बैठे हैं। इसलिए जम्मू कश्मीर को आप छोड़ देते हैं तो आपके लिए बहुत सारे साधन, बहुत सारी सुविधाएं भारत प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन अगर आप फिसल गए हैं और उसी लीक पर, उसी ट्रैक पर चल दिए हैं जिस ट्रैक पर तुम्हारे, तुमसे पहले वाले लोग चलते रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अब की बार बहुत बुरा हाल होने वाला है पाकिस्तान का। और अगर युद्ध होता है भारत और पाकिस्तान का, तो निश्चित मानिए कि इस बार भारत पाकिस्तान के 5, कम से कम 5 और कम कर लो तो 4 टुकड़े तो करके आने ही हैं। एक बलूचिस्तान बनेगा, एक पंजाब बनेगा, एक सिंध बनेगा और एक रेस्ट बनेगा, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा वाला हिस्सा ये बनेगा और पाकाकुपट जम्मू कश्मीर भारत में वापस आएगा, जो भारत का अभिन्न अंग है। इसलिए शहबाज शरीफ की जबान फिसली,
तो वहीं फिसली जहां जिन्ना की फिसली थी, वहीं फिसली जो उनसे पहले के हुक्मरानों की फिसली थी। लेकिन आज सोल्यूशन क्या निकल सकता है, ये हम सबको सोचना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।